चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो फ्रिज है वो 10 साल से ठीक चल रहा था, अचानक गैस खत्म हो गई है, तो उसको गैस डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए। तो आज मैं ये इस वीडियो में ये बात क्लियर करने वाला हूँ कि कभी भी हमारा जो फ्रिज होता है उसमें गैस कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि हमारे फ्रिज में कभी भी गैस खत्म नहीं होती है, उसका कुछ साइंटिफिक मतलब अलग रीजन होता है। खत्म क्यों नहीं होती है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। गैस डलवानी चाहिए या नहीं चाहिए, रिपेयर करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको भी मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, जो कमेंट जो आप लोगों की आ रही थी हमारी फ्रिज में गैस खत्म हो गई है, तो कभी भी गैस खत्म नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, देखिए हमारा जो ये पाइप है, ये पीछे की साइड हमारा जो फ्रिज में काफी सारे पाइप आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके अंदर मतलब गैस चलती है काफी सारी, ठीक है, और लोहे के हमारे पाइप होते हैं ये। तब क्या होता है, अगर हमारे फ्रिज में जो गैस है दोस्तों वो खत्म तो कभी भी नहीं होगी। मान लो एक छोटा सा गुब्बारा है, जो बैलून होता है, उसमें अगर हम हवा भर के एक जगह कहीं पर टांग देते हैं किसी भी प्रकार से, अगर जब तक उसमें हम कोई भी कील नहीं चुभाएंगे तो उसकी जो हवा है दोस्तों वो बिल्कुल भी निकलने की नहीं है। वैसे सेम टू सेम इसी प्रकार हमारे फ्रिज में कंडीशन वर्क करती है, ठीक है। इसके जो अंदर ये नलकियां काफी सारी है वो चारों तरफ से बंद है, यानी कि आपस में गैस को इस प्रकार से घुमाया जाता है, यानी कि जो कंप्रेसर मोटर होती है वो फ्रिज की जो गैस होती है वो चारों तरफ घुमाती रहती है, जिस प्रकार से हमारा बर्फ जमता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है, अगर मान लीजिए इसकी जो कंडेंसर जाल है या फिर हमारा अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा जो फ्रीज है उसके अंदर किसी भी प्रकार से छोटा सा छिद्दा हो जाए या फिर कोई एक पाइप जो हमारा गल जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारी जो गैस है वो निकल जाएगी और हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो तो स्टार्ट रहेगा, चलेगा, फ्रिज में लाइट भी आएगी, सब काम होगा, लेकिन ठंडा नहीं करने का, ठीक है। तो आप लोग ये हमेशा गांठ बांध ले, फ्रिज में गैस कभी भी खत्म नहीं होती है, 100% वो सिर्फ निकलती है, ठीक है, यानी कि उसमें लीकेज होती है और वो हमारी जो गैस है लीज हो जाती है, निकल जाती है। अब उसको दोबारा रिपेयर करवाएं नहीं करवाएं, तो आप लोग उसको रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्नीशियन हमारे ऐसे होते हैं वो क्या काम करते हैं, डायरेक्टली पिनवाल जोड़ा और वो लीकेज चेक नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली गैस भर के आ जाएंगे, तो उसमें हमारी जो गैस है वो 24 घंटे या फिर 15 दिन चलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। तो कुछ जो हमारे ग्राहक है वो ये कहते हैं सर हमने गैस करवाई थी लेकिन कैसा मिस्त्री डाल के गया और वो सिर्फ 15 दिन चली। तो भाई 15 दिन तो वो चलेगी चलेगी, क्योंकि उस जो मिस्त्री टेक्नीशियन ने आपके फ्रिज में गैस डाली थी वो क्या थी, वो आधी अधूरी डाली थी, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया था, इसके अंदर वैक्यूम सही से नहीं किया, इसकी जो लीकेज ही वो ठीक करके जोड़ी नहीं। अगर जब तक फ्रिज के अंदर हमारी जो लीकेज हो गई है, जहां से हमारी गैस निकली है, अगर वो तरीका हम उसको बंद नहीं करेंगे तो हमारी जो गैस डलेगी फिर निकल जाएगी, डलेगी फिर निकल जाएगी, ठीक है। तो गैस डालने से पहले हमेशा आप लोग ये ध्यान दें, अगर हमारे फ्रिज की जो लीकेज है अगर वो बंद हो गई है तब तो हमारा फ्रिज चलेगा क्लियर, ठीक है, अगर नहीं हो गया तो हमारा फ्रिज जो है क्लियर चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। बस yes।